पनावड़ा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकॉन बटन को पाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो अपडेट को। सिंधरी चरण सिंह छात्रावास में अभिनव राजस्थान के तत्वाधान में हथाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। बाड़मेर सिंधरी उपखंड पर चौधरी चरण सिंह छात्रावास में अभिनव राजस्थान के तत्वाधान में हथाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में अभिनव राजस्थान के संयोजक डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि जनता को जागरूक होकर अपने मत की कीमत को समझना होगा। जब तक हम अपने मत की कीमत नहीं समझेंगे तब तक राजनेता सत्ता में आने के बाद हमें यूं ही धोखा देते रहेंगे। चौधरी ने कहा कि अधिकांश राजनीतिक पार्टियां चुनाव पूर्व बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आ जाती हैं लेकिन सरकार बनने के बाद भूल जाती है। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन होता है लेकिन अभी कहीं नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल राजतंत्र हावी है, जनता को जागरूक होकर के ये खाई भरनी होगी। आगे उन्होंने कहा कि जातिवाद को मिटा करके समाज हित में वोट करें। अभिनव राजस्थान भारत की पहली पार्टी होगी जो अपने वादे एफिडेविट पर लिख कर देगी ताकि कोई भी जनता के साथ धोखा नहीं कर सके। आगे उन्होंने बोलते हुए कहा कि सामाजिक कुरीतियों को बंद करना चाहिए। इसी हथाई कार्यक्रम में करनाराम मांजू, बंशीलाल चौधरी, वीरेंद्र कुमार आसू, कैलाशपुरी, अशरफ खां, लक्ष्मण कुमार नेमीचंद सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सिंधरी से अशरफ खान की रिपोर्ट। तो बाजरी में खाऊं काम नहीं आ रही, लेकिन बोली कौन लाग रही है? मंडी में ले जाइए कौन बाजरी? तो बाजरी कौन ले? बिकत है कटी कटी बाजरी, तो फेंके थोड़ी है, बिकत है ना। लेकिन अव्यवस्था क्यों नहीं है? अव्यवस्था नहीं होने के लार कहीं कर ठीक कारण में समझना पड़ेगी कि कौन है जो बर्बाद कर। कई देश ऐसे है जहाँ पर अलग तरह का सिलेबस चलता है। ऑस्ट्रेलिया एक देश है जहाँ पर हाथ से जो काम करते हैं उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं, हाथ से काम नहीं करते उनको कम पैसे मिलते हैं। पर एक कंप्यूटर पे सबमिट कर सकते। ऑस्ट्रेलिया का नाम तो आपने सुना सकते। वहाँ पर कंप्यूटर पे परफेक्शन काम कर रहा है ना मजदूर, उसको वो ये रहता है नक्शा बनाता है, उसको पैसे कम मिलते। ऐसे कई देश हैं जहाँ पर जो हाथ से काम करता है उसको ज़्यादा पैसा, और जो हाथ से काम नहीं करता केवल कुर्सी पे बैठा रहता है उसको कम पैसा मिलता। हमारे यहाँ क्या है कि जो हादसा पैसा करता है, खड्डे खोदता है उसको पैसे कम मिलते हैं नरेगा में, और जो उसकी हाजिरी भरता है उसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। इस कारण से हमारे यहाँ पर बेरोजगारी है। तो ये बेरोजगारी कम एक ही तरीके से हो पाएगी जब हम लोग उस रास्ते पर चलेंगे जिसमें हाथ से काम करने वालों को ज़्यादा पैसा मिलेगा। अभी हमको यही समझाया गया पिछले 50-60 सालों में कि जो काम नहीं करता वो महान होता है, और हम लोग भी वही तरीके ढूंढते हैं बिना काम किए कैसे पैसा मिल जाए। रईसी की नौकरी कहते हैं, रईसी की नौकरी बेटर रहता है, हिलना ही नहीं पड़ता, उसको महीने कितने पैसे मिल जाते। इस कारण से काम के प्रति हमारा मोह भंग हो गया है। हमारे पास 100 बीघा ज़मीन है तो भी हमको उसमें कोई रुचि नहीं है, और हम ये सोच रहे हैं कि कहीं नौकरी लग जाए, चपरासी भी लग जाए, किसी को पानी पकड़ा हो दिन भर, और उसके लिए भी लोग पैसा दे के चपरासी लें। तो पैसा देकर भी आप किसी के यहाँ पानी पकड़ाते फिरो, ये तो कोई ठीक बात नहीं हुई। 100 बीघा ज़मीन का मालिक जो है वो किसी के यहाँ पानी पकड़ाता फिरे, बात ठीक नहीं है। लेकिन समाज में माहौल ऐसा बन गया है।